नीतीश सरकार ने तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम रहते विभागों में किए गए कामों की समीक्षा के आदेश जारी किए हैं। साथ ही आरजीटी कोटा के पास रहे पीएचईडी और खान एवं भूतत्व विभाग के कामों की भी समीक्षा के आदेश मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी पत्र में लिखा गया है, निर्देशानुसार कहना है कि दिनांक 1 अप्रैल 2023 से स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में पूर्व मंत्री के स्तर पर किए गए कार्यों और लिए गए निर्णयों की समीक्षा की जाए तथा यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन के उपरांत उनमें संशोधन किया जाए। इस संबंध में विभागीय मंत्री को संबोधित आदेशों की जानकारी दी जाए और माननीय मंत्री से आवश्यक निर्देश प्राप्त किए जाए। आपको बता दें, एनडीए की सरकार बनने के बाद बीजेपी आरजेडी पर काफी आक्रामक रही। बीजेपी बराबर कह रही थी कि आरजेडी के मंत्रालय की जांच होगी। आरोप लग रहे थे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं सीएम नीतीश कुमार भी इस संबंध में बड़े बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, जानकारी मिली है कि पैसों का लेन देन हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसों का खेल खेला गया है। इस प्रकरण में अब नीतीश कुमार ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मंत्रालय सहित आरजेडी कोटे के कई मंत्रालय की जाँच के आदेश जारी किए हैं। इसको लेकर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी इस मुद्दे पर आरजेडी को घेर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।